जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब युद्ध के 15वें दिन अर्जुन ने वेद व्यास से पूछा, महर्षि, जब मैं वाण चलाता था, कौरवों पर वाण चलाता था, तो मुझे एहसास होता था कि मेरे सामने एक ऐसे दिव्य शक्ति जो जलता हुआ त्रिशूल लेकर आगे आगे बढ़ते थे, जिससे कौरवों की मृत्यु होती थी। मैं यह जानने का प्रयत्न करना चाहूँगा कि आखिर वो दिव्य पुरुष कौन थे। वेद व्यास ने कहा कि वो दिव्य पुरुष और कोई नहीं, देवों के देव महादेव थे, क्योंकि वो धर्म युद्ध में धर्म की ओर से पांडवों का साथ दे रहे थे। एक दिन की बात है, जब युद्ध का अंतिम दिन था, तब भीम इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जो उनका प्रण था दुर्योधन की जांघ को तोड़ना, घसीटते हुए दुर्योधन की टांग को उन्होंने तोड़ डाला, और उस समय दुर्योधन करा रहा था, मृत्यु के समीप था। तब उस समय अश्वत्थामा और कृपाचार्य आए। दुर्योधन कहते हैं अश्वत्थामा से कि भीम ने मुझे छल से मेरी जांग को तोड़ डाला है और मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अश्वत्थामा को सेनापति बनाते हुए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भीम ने मेरी जांग को तोड़ा है और कौरवों की सेनाओं को वध किया है, यहाँ तक द्रोणाचार्य को भी छल से मारा है, आप पांडव के शिविर जाएं और पांडवों का वध करें। वो दोनों पांडव के शिविर में पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, तब उन्होंने पांडवों को शिविर से दूर ले गए, और उस समय कृपाचार्य शिविर के बाहर थे। अश्वत्थामा उन पांडवों के पुत्रों को अनजाने में यह समझकर मार डाला कि वे सभी पांडव हैं। तब अश्वत्थामा भगवान शिव की आराधना करने लगे, और आराधना के पश्चात शिव भगवान कौरवों का साथ दे रहे थे। इसी समय पांडव को इस बात की जानकारी हुई, और तब पांडवों ने भगवान महादेव से युद्ध करने लगे। वो ये नहीं जानते थे कि भगवान महादेव हैं, और अंत में फिर जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्हें पश्चाताप हुआ। इस तरह से देखा जाए तो महाभारत में किस तरह से युद्ध हुआ, और युद्ध के पश्चात जो सही रास्ते पे थे उनका विजय हुआ। इसलिए
हम सभी को महाभारत से सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।